कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर. एक आइसोसेलस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर का वैल्यू दिया है 32 सेंटीमीटर एंड वी आर टू फाइंड इट्स एरिया. ठीक है, तो उसके पेरीमीटर की वैल्यू दी है. साथ में और क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड ऑफ द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड टू इट्स बेस इज 3:2. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. तो हमें रेशियो दिया है इस आइसोसेलस ट्राइंगल के जो इक्वल साइड है उसका टू द बेस. ठीक है, तो ये आपका ट्राइंगल है, ये आपका ट्राइंगल है. आइसोसेलस है मतलब कि बेस ऐसा रहेगा एंड आपके दो साइड्स ऐसे इक्वल रहेंगे. ठीक है, तो जो इक्वल साइड है उस एक इक्वल साइड का इस बेस में जो रेशियो है वो दिया है. लेट अस से ए इज टू बी, वेयर ए इज दिस, बी इज दिस बेस, और ये जो लेंथ है ये ए है. ठीक है, तो आपको रेशियो क्या दिया है, 3:2 ए इज टू बी दिया है. ठीक है, वी आर टू फाइंड द एरिया. तो बहुत आसान है, लेट अस राइट डाउन गिवन क्या है. पेरीमीटर दिया है 32 सेंटीमीटर. ट्राइंगल के सभी साइड्स का सम इज द पेरीमीटर इज गिवन 32 सेंटीमीटर. रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू द बेस इज 3:2. नाउ वी आर टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. लेट द साइड ऑफ द ट्राइंगल बी, ये तो रेशियो में दिया है, ये साइड की वैल्यू नहीं है, ये साइड्स का रेशियो है. राइट, तो साइड्स क्या क्या आ जाएंगे, 3x 3x 2x. ओके, क्योंकि 3x जो है वो एक साइड है और वो उसी लेंथ का दूसरा साइड भी है. तो ये 3x है तो ये भी 3x है. गेटिंग इट, बेस इज 2x. इक्वल साइड का लेंथ दिया है 3x. ओके, एंड इट इज इन सेंटीमीटर. ओके, नाउ द पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स. 32 इज इक्वल टू 3x + 3x + 2x. ओके, होप इट इज क्लियर. कितना आ जाएगा, 32 इज इक्वल टू 8x. एंड इसको आगे सॉल्व करोगे तो x यहाँ पे 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 32/8 इज इक्वल टू x. इस 8 को इधर ले जाओगे तो 32 के साथ डिवाइड होगा. एंड इफ़ यू सॉल्व दिस वन, 8 × 1 = 8 एंड 8 × 4 = 32. ठीक है, x की वैल्यू आ गई 4. देयरफॉर ये x की वैल्यू है, तो साइड्स क्या क्या आ गए, 3x 3 × 4 = 12 सेंटीमीटर. सेकेंड साइड जो इक्वल साइड है वो भी 3x है, दैट इज ऑल्सो 12 सेंटीमीटर. थर्ड साइड 2x है, बेस है, 2 × 4 = 8 सेंटीमीटर. तो ये तीनों आपके साइड्स आ गए हैं. अब यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला हम इसका एरिया डिटरमाइन कर लेंगे. ठीक है, अच्छा वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड, हम हेरॉन्स फॉर्मूला यूज़ तो कर सकते हैं, वो किसी भी ट्राइंगल के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमारे पास आइसोसेलस ट्राइंगल के लिए एरिया का एक फॉर्मूला है. आई वॉन्ट यू टू नोट दिस डाउन इन योर फॉर्मूला कॉपी. आइसोसेलस ट्राइंगल के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा. ये अगर आइसोसेलस ट्राइंगल है तो इसमें दो साइड्स हैं जो इक्वल है, उन्हें ए मान लिया गया है और बेस जो है उसे बी मान लिया गया है. ठीक है, तो ऐसे पर्टिकुलर केस के लिए एरिया का फॉर्मूला है b/4 × √4a² - b². क्लियर है, ए क्या है, ये जो इक्वल साइड है उसका लेंथ, और बी क्या है, बेस है. सिंपली हमने अभी वैल्यू निकाली है उसको पुट कर देते हैं. एरिया इज इक्वल टू, बी की वैल्यू 8 आई है, 8/4 × 4 × 12² ए की वैल्यू 12 आई है, पुट कर दो 12² - 8² ओके, 4 × 1 = 4 and 4 × 2 = 8, तो ये 2 आ गया. √4 × 12² = 144 - 8² = 64. तो दिस विल बिकम, इसको सॉल्व करोगे, 2 × √512. और 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके जैसे अपन स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं वो आप फाइंड करोगे, अगर इसमें डाउट है तो बताना. स्क्वायर रूट आपका आएगा 512 का 16√2. तो 2 × √512 इज इक्वल टू 2 × 16√2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 × 2 = 32 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया जो हमें डिटरमाइन करना था. दिस इज अवर आंसर.